हम लोगों को हमेशा बचपन से यही सुनने के लिए मिलता है कि आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग पढ़ाई कर लो, एजुकेशन ले लो, कोई डिग्री ले लो, कोई डिप्लोमा ले लो, स्कूल कर लो, कॉलेज कर लो, उसके बाद आप अपने लाइफ में जैसा आप अपने लाइफ को बनाना चाहते हो, आप अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो आप उस काम को कर पाओगे। लेकिन आई नो, मैं बहुत ही सही तरीके से इस चीज़ को जानता हूँ कि एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन दोस्त एक बात समझने वाली है, 90% लोग तो सेम तरीका अपनाते हैं, सेम एजुकेशन सब कुछ वही करते हैं, लेकिन 90% लोग हमेशा पीछे क्यों रहते हैं, और 10% लोग जो सबसे अलग काम करते हैं और अपने स्कूल कॉलेज का भी पढ़ाई सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं, तो आज मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके लाइफ के रिगार्डिंग। आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो उस वर्क के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। जैसे कि मैंने अभी अभी क्लियर किया कि एजुकेशन ले लो, जो भी करना है आपको कर लो, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन साथ साथ मैंने इस चीज़ को भी क्लियर किया था कि बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जिनका ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट नहीं है, डिग्री भी कम्प्लीट नहीं है, फिर भी वो अपने लाइफ में सही तरीके से और अच्छा काम किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त कि उन्होंने सीखना बंद कर दिया। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, तो दोस्त गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, एजुकेशन आपको सर्वाइवल सिखाता है, आप अपने लाइफ में कैसे सर्वाइव कर सकते हो एजुकेशन से पता चलता है। और रही बात आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने का, अपने लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको भी समझते हैं, आप सही तरीके से समझ पाओगे। अगर ऐसा आप सोचते हो कि एजुकेशन नहीं ज़रूरी है, मैं स्कूल कॉलेज नहीं करूँगा, तो दोस्त गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्कूल कॉलेज नहीं करना है, स्कूल कॉलेज करना है, फैमिली का भी बात मानना है, सब कुछ सुनना है, सब कुछ समझना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी बताता हूँ, उसको भी साथ साथ लेकर चलिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि सेल्फ लर्निंग के बारे में, तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं, लर्निंग होता क्या है। तो लर्निंग का मतलब तो जानते ही हो कि क्या होता है, क्योंकि अक्सर सुनने को मिलता है लर्निंग 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 लर्निंग, इसका मतलब पढ़ना होता है दोस्त, समझ गए। अब बात करते हैं कि लर्निंग क्या है और कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप होता है, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, मुझे जिस तरीके से समझना है वैसे ही मैं समझता हूँ, और वैसे ही आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं समझता हूँ और आपको भी समझने में आसानी होगा। सबसे पहले नंबर में आता है बेसिक लर्निंग। बेसिक लर्निंग जानते हो क्या होता है, बेसिक लर्निंग वही होता है जो हमारे फैमिली से, हमारे माँ बाप से, हमारे गार्डियन से और हमारे स्कूल और कॉलेज से जो मिलता है बेसिक लर्निंग, वही होता है, वहीं पे आपको डिग्री डिप्लोमा सब कुछ मिलता है। लेकिन दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, स्कूल कॉलेज में हमेशा से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, स्कूल कॉलेज और आपके फैमिली द्वारा सिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ, बताया हुआ हर एक चीज़ आपको लाइफ सर्वाइव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन दोस्त अगर आप ऐसा सोचते हो कि बेसिक लर्निंग करने के बाद मैं अपने लाइफ में हर एक चीज़ को अचीव कर पाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्त, क्योंकि बेसिक लर्निंग में आपको सर्वाइवल के लिए सिखाया जाता है, जहाँ पे आपका ज़रूरत पूरा हो सकता है, आपका सपना कभी भी नहीं पूरा हो सकता है। क्योंकि बेसिक लर्निंग जो होता है ना, प्रॉपर एक फील्ड, प्रॉपर एक डिग्री, प्रॉपर एक एजुकेशन के लिए किया जाता है, जिसमें आप ग्रेजुएशन समझ सकते हो, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, कुछ भी, कोई भी एक प्रॉपर कोर्स आ सकता है, प्रॉपर एजुकेशन आ सकता है, जिसको हम लोग बेसिक लर्निंग बोलते हैं। बेसिक लर्निंग में आपको सर्वाइवल दिया जाता है कि आप अपने लाइफ में कैसे सर्वाइव कर सकते हो, आप अपने लाइफ को कैसे काट सकते हो। तो बड़ा सिंपल सा बात है, सर्वाइवल में तो दोस्त वही होता है कि आपका ज़रूरत पूरा हो जाएगा, लेकिन आपका ख्वाहिश और सपना कभी भी नहीं पूरा हो सकता है। दूसरे नंबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, उसको भी समझ लो, सेल्फ लर्निंग। बड़ा ही सिंपल है, सेल्फ लर्निंग को समझने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्त। सेल्फ लर्निंग एक ऐसा चीज़ है ना कि आप जो चाहो उस चीज़ को पढ़ सकते हो, प्रॉपर किसी टॉपिक को पढ़ सकते हो, प्रॉपर किसी फील्ड को पढ़ सकते हो, प्रॉपर किसी एजुकेशन को ले सकते हो, प्रॉपर किसी भी काम के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके रिगार्डिंग आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो और उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। क्योंकि सेल्फ लर्निंग बड़ा ही कमाल का चीज़ है दोस्त, सेल्फ लर्निंग में आपका सेल्फ ग्रोथ होता है। जब तक आपका सेल्फ ग्रोथ नहीं होगा, तब तक
आप अपने लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं ला सकते हो, क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है ना दोस्त, कि जहाँ पे हजारों लोग दौड़ रहे हैं उधर जाना, और जहाँ पे गिनती के दो चार लोग दौड़ रहे हैं उधर जाना। तो बड़ा सिंपल बात है ना दोस्त, कि जिधर जितना ज़्यादा भीड़ होता है उधर उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, और जिधर जितना कम भीड़ होता है उधर उतना ही कम कंपटीशन होता है। बस दोनों में कंडीशन एक है, सिचुएशन अलग अलग है। कंडीशन तो यही है दोस्त कि दोनों साइड आपको हार्डवर्क करना है, और सिचुएशन अलग इसलिए है कि जिधर ज़्यादा भीड़ है उधर सक्सेस मिलने का चांस 90% होता है, और जिधर भीड़ कम है उधर सक्सेस मिलने का चांस 99% होता है। इसलिए दोस्त इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी था। अब बात करते हैं सेल्फ लर्निंग के बारे में। तो सेल्फ लर्निंग के बारे में आप तो समझ ही चुके होंगे कि सेल्फ लर्निंग से क्या हो सकता है। तो सेल्फ लर्निंग से दोस्त बहुत कुछ हो सकता है। जो भी आप करना चाहते हो उस काम को कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हो क्या है, इसमें टाइम टेकिंग बहुत ही कम है। आपका टाइम बहुत कम लगेगा, आपका पैसा भी बहुत कम लगेगा। क्योंकि अगर आप बेसिक लर्निंग की बात करोगे तो बेसिक लर्निंग में प्रॉपर किसी एजुकेशन को, प्रॉपर किसी डिग्री के लिए आपको 3 से 4 साल टाइमिंग देना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ से आपको एक डिग्री मिलेगा। लेकिन सेल्फ लर्निंग में आपको पता है क्या होता है, सेल्फ लर्निंग में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार चीज़ जानते हो क्या है, प्रॉपर जिस भी चीज़ का ज़रूरत है उसी चीज़ को हम पढ़ सकते हैं, वैसे समझ सकते हो कि टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। अब बात करूँगा जैसे कि इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को शूट करने के लिए अगर प्रॉपर मैं एजुकेशन लेने के लिए जाऊँ तो 2-3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसको सेल्फ लर्निंग से सीखा है कि वीडियो को कैसे शूट किया जाता है, कैसे एडिट किया जा सकता है, और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और कैसे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है। पूरा का पूरा रोल सेल्फ लर्निंग का है। तो दोस्त आप सही तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मैं जो क्लियर करना चाहता था आपको सही तरीके से समझ में आया होगा, और सही तरीके से आप समझ पाए होंगे कि आपका सेल्फ लर्निंग आपके लाइफ के रिगार्डिंग कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब तक आप सेल्फ लर्निंग नहीं करोगे ना, तब तक स्कूल कॉलेज की डिग्री से कुछ नहीं मिलने वाला दोस्त। इसलिए लाइफ के रिगार्डिंग सेल्फ लर्निंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।